सहरसा जिला मुख्यालय में बना एक ऐसा विद्यालय जहां 7 कमरे में 3 सरकारी विद्यालय संचालित हो रही है, जहां एक कमरे में 2 से 3 कक्षाएं की पढ़ाई होती है। जर्जर भवन के बीच इस विद्यालय की तस्वीर को देखिए, किस तरह से छात्र एवं छात्राएं इस जर्जर विद्यालय में पढ़ाई कर अपने भविष्य को तलाश रहे हैं। इस तस्वीर कोई गांव कस्बे की नहीं, बल्कि यह तस्वीर जिला मुख्यालय की बताई जा रही है। जिला मुख्यालय की कोसी कॉलोनी में बरसों से जर्जर हालात में तब्दील सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इस विद्यालय के प्रिंसिपल की माने तो विद्यालय की भवन भी जर्जर हो चुकी है। एक कमरे में 2 से 3 कक्षाएं की पढ़ाई की जाती है, जिस कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और शिक्षिका भी किसी तरह बच्चे को पढ़ाती हैं। बारिश के मौसम में क्लासरूम में पानी टपकता है, इसकी जानकारी विभाग को कई बार दी गई है, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी कोसी इलाके से आते हैं और उनके शिक्षा मंत्री बनने के बाद लोग उम्मीद जताए बैठे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगी, लेकिन न तो अब तक विभाग ने कोई कार्रवाई की और न ही अब तक भवन की मरम्मत का कार्य हो सका है। स्थानीय लोग समीर पाठक ने बताया कि परिसर में 7 कमरे इस विद्यालय में तकरीबन 1000 छात्र छात्राओं का नामांकन है और कम कमरे में कैसे इतने सारे बच्चे पढ़ पाएंगे। शिक्षिका को मजबूरन एक कमरे में 2 से 3 क्लास कराना पड़ता है, जिससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी होती है बच्चों को पढ़ने में और शिक्षक को पढ़ाने में, क्या परेशानी? अरे विद्यालय का भवन, एक तो कमरा कम है, मात्र 4 कमरे हैं और 8 क्लास चल रहा है हमारा मध्य विद्यालय का, और उसके अलावा एक रूम ले लिया है प्राथमिक विद्यालय राधानगर और बाकी 2 रूम लिए हुए हैं कोसी कॉलोनी उच्च विद्यालय कोसी कॉलोनी लिए हैं। यहाँ हर कमरे में 2-2 क्लास चलता है, जिसके कारण काफी परेशानी होती है, बच्चे आ नहीं पाते, गार्जियन भेजते नहीं है, दिक्कत एक तो गर्मी है, उस पर से एस्बेस्टस का रूम सब टूटा हुआ है, ये सब परेशानी है। कितनी बार डीओ साहब को लिख के दिए, डीओ साहब को लिख के दिए हैं और उसके लिए कुछ तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं।